उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हाथरस में जिस बाबा साकार हरि का कार्यक्रम था उसे लेकर भी नई नई जानकारियां सामने आ रही। बाबा के चश्मे, उसके आश्रम में कौन आता था, ये सारी बातें अब जनता के सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच हाथरस हादसे पर राजनीति भी हो रही। हाथरस में हुए हादसे पर लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के इस हादसे पर योगी सरकार को घेर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों में आपस में ही मेल नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी हाथरस हादसे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि हादसे की जांच हो रही है, हादसा था या साजिश, इस एंगल से जांच चल रही है। सीएम योगी की साजिश वाली बात को समाजवादी पार्टी खारिज कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव इसे हादसा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। सुनिए रामगोपाल यादव को, फिर बताऊंगा कि अखिलेश ने किस साजिश की बात कही। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है ये, कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। रामगोपाल यादव ने साजिश से इनकार कर दिया, कह दिया कि ऐसे आयोजनों में हादसे तो होते रहते। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस की घटना पर यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई साजिश है तो वो ये कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने की साजिश कर रही है। अखिलेश यादव को भी सुनिए, फिर हाथरस हादसे के बाद कांग्रेस किस तरह से योगी सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रही है, ये भी दिखाता हूं। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाए? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी यूपी में पूरा फोकस कर रही, वहीं कांग्रेस भी अब यूपी में अपनी जमीन और मजबूत करने की कोशिश में। हाथरस में हुए हादसे पर अभी तक कांग्रेस नेताओं ने बयान दिए, प्रियंका वाड्रा ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन अब राहुल गांधी हाथरस जाने वाले कहा जा रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी हाथरस जाएंगे और वहां हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी पहले ही हाथरस हादसे पर एक्टिव हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने से यूपी में सियासी घमासान तेज होने की चर्चा है। हाथरस में हुए हादसे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हादसे की नई नई वजह भी सामने आ रही। हादसे की एक नई थ्योरी भी सामने आई। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक सत्संग में बाबा की रंगोली की वजह से हादसा हुआ। सत्संग में 2.25 टन बुरादे से रंगोली तैयार हुई थी। बाबा के हर कार्यक्रम में 200 मीटर लंबी रंगोली बनती। बाबा साकार हरी रंगोली पर चलकर निकला था। रंगोली को बाबा का आशीर्वाद समझते थे भक्त। रंगोली का बुरादा लेने की होड़ में भगदड़ मच गई। हाथरस में जब हादसा हुआ तो उससे पहले ही बाबा साकार हरी वहां से निकल गया था, और वो किस तरह और कितनी तेजी से सत्संग से निकला उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बहुत ही हैरान करने वाला है। हाथरस में जहां सत्संग था उसी के पास एक पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में बाबा के काफिले की तस्वीरें कैद हुई हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि बाबा साकार हरि की आर्मी सड़क के दोनों तरफ हाथ में डंडे लिए खड़ी थी और सड़क को खाली करवाया गया था। उसके बाद बाबा का काफिला वहां से निकला। जरा एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बाबा के रंगीन चश्मों का रहस्य बताता हूं। 2 जुलाई को किस तरीके से भगदड़ मची और बाबा कैसे भागा, देखिए। यहां पर आप देखेंगे तो जो बाबा के जो प्राइवेट आर्मी जो बाबा ने बना के रखी थी, ये देखिए डिवाइडर के इस तरफ आ चुकी है, और यहां देखिए ये ब्लैक कैट कमांडोस की तरह ये बाबा की पर्सनल आर्मी है जो आपको बाइक से जाती हुई दिखाई देगी। और देखिए ये बाइक से आर्मी गई और पीछे से एक छोटी कार गई, और ये कार जो आपके सामने जाएगी अभी ये बाबा की कार है। ये देखिए ये जो गाड़ी आपके सामने नजर आ रही है सफेद रंग की बड़ी, ये बाबा की कार है, और इसी में बैठकर जो बाबा है अपने काफिले के साथ निकलता है। लगभग 7 से 8 गाड़ियां इसकी काफिले में है, और अगर आखिरी में देखेंगे तो एक पुलिस की जिप्सी भी आपको दिखाई देगी। और दोनों तरफ अगर आप देखिए तो जो किस तरीके से जो बाबा के सेवादार और बाबा की जो आर्मी है वो बाबा को सेफ पैसेज देने के लिए देखिए यहां पे खड़ी है। बाबा साकार हरि ने अपना एक अलग साम्राज्य बना रखा, उसके अनुयायी उसे भगवान का अवतार मानते थे, और बाबा भी अपने भक्तों के सामने दावे किया करता था कि वो कुछ भी कर सकता है। बाबा हमेशा टिप टॉप सूट बूट और शानदार सनग्लासेस में दिखाई देते। बाबा के इन चश्मों का राज हम आपको बताते हैं। बाबा साकार हरि मंगलवार के दिन अलग अलग रंग के चश्मे पहनता था,
जैसे ये नीले रंग का चश्मा जो आप देख रहे हैं। बाबा का ये दावा था कि उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि है और नीला चश्मा जब वो उतारते थे और उनकी नजर जिस पर पड़ती थी उन लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। सोचिए किस तरह से बाबा ने लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था कि नीला चश्मा उतारूंगा और जिधर देख लूंगा जिस पर देख लूंगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हरे चश्मे का राज भी आपको बताता हूं। बाबा का दावा था कि उसके हरे चश्मे में भी शक्ति है। मंगलवार को वो हरा चश्मा पहनकर आता था और जब चश्मा उतारता था तो उसकी दृष्टि से भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती। मतलब बीमारी ठीक करने के लिए नीला चश्मा, भूत प्रेत भगाने के लिए हरा चश्मा। नीले और हरे रंग के चश्मे के अलावा बाबा कई बार काले और भूरे कलर के चश्मे भी पहनता था। बाबा साकार हरि यह दावा करता था कि जिस दिन उसने काले या ब्राउन कलर के चश्मे पहने हैं उस दिन उसकी दिव्य दृष्टि जिस पर पड़ती थी उसे शांति मिलती थी। खास बात यह है कि बाबा के चश्मे के कलर के हिसाब से भी भक्त अपनी समस्या लेकर आते थे और बाबा के सहयोगी पहले ही यह प्रचार कर देते थे कि बाबा किस मंगलवार को कौन से रंग का चश्मा पहनकर आने वाले। देख रहे हैं हिसाब किताब। हाथरस हादसे के बाद अब धीरे धीरे बाबा साकार हरि से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही। यह भी कहा जा रहा है कि बाबा साकार हरि के खुद ही महिला सेना थी उनकी। बाबा की महिला सेना उनके साथ चलती थी और सुरक्षा में तैनात रहती थी। बाबा की महिला सेना की वर्दी बिल्कुल किसी कमांडो की वर्दी जैसी दिखती थी। बाबा साकार हरि की महिलाओं के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसके बाद बाबा साकार हरि का नाम महिलाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है। लोग ये बातें कह रहे हैं, ये बातें बाबा के गांव वाले ही कह रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बाबा के आश्रम में लड़कियां आती। देखिए बाबा साकार हरि के गांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, फिर बताऊंगा कि बाबा के दोस्त ने क्या खुलासा किया है। से ये लड़कियां बाहर की होती थी या बाहर की थी? अच्छा, गांव के लोगों ने देखा है, मतलब आप लोगों ने देखा है? हाँ, आती थी, बस में आती थी, पूरी बस में। बाबा पैसे भी लेते हैं क्या? पैसे अंदर अंदर लेते हैं। ये एक तांत्रिक है। अच्छा, पब्लिक को बहका देते हैं और इनके जो ये नहीं है सिक्योरिटी फोर्स बना रखा है। हाँ, सेवादार कमांडर। हाँ, कमांडर है, कोई अधिकारी है बड़ा है, ये एजेंट है। आन का अवतार नहीं है बाबा? अरे भगवान का अवतार तो हुआ ही नहीं है, कलयुग में होगा ही नहीं। हाँ। कहते भगवान हो सकता है, इंसान को भगवान तो मैं तो कहता नहीं। मतलब नौकरी छोड़े चले आए, इन्हें तो बुड्ढी मारी थी, वो जेल में चले गए, जेल में छूटने के बाद आए थे। बाबा साकार हरि पर सबसे बड़ा खुलासा तो उनके दोस्त ने किया। बाबा साकार हरि के दोस्त राम स्नेही का दावा है कि बाबा ने पूरी योजना बनाकर यह काम शुरू किया। आश्रम बनाना और फिर बाबा बनकर सत्संग और प्रवचन देना, इसकी बकायदा पूरी प्लानिंग की आरोप लग रहा है। साकार हरि के दोस्त और उनके गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जैसे खुद को बड़ा बाबा बनाने के लिए एजेंट रखे हुए थे, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। बाबा कोई चमत्कार नहीं करता, गोरख धंधा है, एजेंट को पैसे देकर सत्संग का ढोंग करते थे, ये उनके गांव वाले और दोस्त आरोप लगा रहे। बाबा के एजेंट्स ने लोगों में भ्रमजाल फैलाया, बाबा के एजेंट से खुद को भगवान कहलवाने लगा वो और उंगली में चक्र और त्रिशूल दिखने की बातें फैली। बाबा पर नशे का आदि होने का भी आरोप लगा है। बाबा के आश्रम में गांव के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। बाबा के दोस्त राम स्नेही से टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत और इस दौरान उसने विस्तार से बताया कि बाबा ने खुद को भगवान बनाने की प्लानिंग कैसे की। सुनिए इसे, फिर आपको बताऊंगा कि बाबा साकार हरि ने कैसे करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। तो योजना बनाई उन्होंने कैसे बनेगा? योजना तो वही बता, अंधविश्वास नहीं, वो वही बात बता दीजिए, क्या क्या बातें की उन्होंने अंधविश्वास की? अंधविश्वास कोई बात नहीं, कि मैं ही वो भोले बाबा हूँ, मैं ही भाई शंकर शंकर हूँ, भाई मैं हूँ। तो आपने कहा नहीं, ऐसा झूठ क्यों बोलोगे? मैं इस बात को क्यों कहता, इस बात को मैं क्यों कहता, जब बताइए तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वो आपसे बातें साझा कर रहा था कि मैं ही भोले बाबा हूँ। हाँ, ऐसा मैं लोगों को बताऊंगा। हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोले बाबा। बाबा साकार हरि के एजेंट ये दावा करते हैं कि बाबा अपने भक्तों से पैसे नहीं लेता, दान दक्षिणा नहीं लेता था। उसके बाद भी बाबा साकार हरि ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। बाबा साकार हरि 100 करोड़ का मालिक बताया जाता है। बाबा ने 15 साल में अकूत दौलत बनाई। मैनपुरी में आलिशान आश्रम है, पश्चिमी यूपी में 24 से ज्यादा आश्रम है। बाबा कई लग्जरी कारों के मालिक हैं। बाबा के काफिले में 23 से 30 लग्जरी कारें। बाबा साकार हरि की सेवा में 80 सेवादार लगे रहते हैं। यानी कुल मिलाकर बाबा साकार हरि का कैरेक्टर सवालों के घेरे में।
गांव वाले और बाबा के दोस्त जो बातें कर रहे हैं उससे बाबा पर दबाव बढ़ रहा है। पुलिस भी बाबा साकार हरी की तलाश कर रही है। हाथरस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर योगी सरकार कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह चुकी। आप देखिए कि इस मामले में कितनी तेजी से एक्शन हो रहा है। इस मामले में अब तक सिकंदरा राव से 6 सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं। सेवादार राम भरोसे, भूपेंद्र यादव, मेघ सिंह, ये सब गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा सेवादार मंजू यादव, मुकेश कुमार, मंजू देवी, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की तलाश अभी जारी है। देव प्रकाश पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। आयोजन से जुड़े लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर है, यानी पुलिस और प्रशासन फुल एक्टिव है। न्यायिक जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच बाबा साकार हरी की भतीजी ने पूरे मामले को नया रंग दे दिया। साकार हरी की भतीजी ने कहा कि बाबा बहुत अच्छे इंसान है और उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। बाबा को उनकी जाति की वजह से टारगेट किया जा रहा है। सुनिए बाबा साकार हरी की भतीजी को। जो सवाल उठा रहे हैं बाबा पे, तो वो अचानक ऐसा क्या है जो वो कर रहे हैं? कोई कॉन्स्पिरेसी है या बाबा का नाम जानबूझ के राजनीति में घुसीट रहे हैं? जानबूझकर जलन होती है ना लोगों को, जलन होती है, जल रहे होंगे, कोई मन में भ्रम पाल लिया होगा उन्होंने। बढ़ते रसूख से जो है सबको ये लगता है कि अरे क्यों बढ़ रहे हैं? सबको लगता है। अभी ये कोई और जात के ना होते तो फिर बहुत बढ़ा दिया होता लोगों ने। वो हमारी जाति ऐसी है जो लोग नीचे गिराना चाहते हैं। अच्छा, एक ये समीकरण आप नया बता रहे हैं कि जाति का समीकरण होने के चलते लोग हजम नहीं कर पाते हैं। इस जाति का व्यक्ति ऐसे कैसे संपन्न हो सकता है? संविधान को भी लोग खत्म करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे बोले बाबा, वो खत्म नहीं कर पाएंगे इस चीज को। बाबा जी की कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। यानी जाति का एंगल भी आ गया। खैर, जब बाबा ने कुछ किया नहीं तो उन्हें खुद सामने आना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, जो कि अब तक हुआ नहीं।